नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टेन न्यूज। एक लोकसभा और चार विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट आ गए हैं। बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा, जबकि बालीगंज विधानसभा सीट पर टीएमसी के ही बाबुल सुप्रियो ने बड़ी जीत हासिल की है। उधर बिहार की बोछा विधानसभा सीट पर राजद के अमर पासवान विजयी हुए हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर नॉर्थ सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार जयश्री जाधव ने बीजेपी के सत्यजीत कदम को करीब 19,000 वोटों से करारी शिकस्त दी। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस की यशोदा वर्मा 20,167 वोटों से जीत गई। भाजपा खाली हाथ रही। बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा जीते। उन्होंने बीजेपी की अग्निमित्रा पाल को 2,64,913 वोटों से हराया। ये सीट पिछले साल बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। सुप्रियो बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए थे। बालीगंज विधानसभा सीट से बाबुल सुप्रियो 20,228 वोट से जीते हैं। उन्होंने बीजेपी की केया घोष और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सायरा शाह को हराया। ये सीट पर पूर्व विधायक और राज्य के मंत्री रहे सुब्रत मुखर्जी के निधन के बाद खाली हुई थी। महाराष्ट्र की कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत हुई। कांग्रेस की जयश्री यादव ने बीजेपी के सत्यजीत कदम को करीब 19,000 वोटों से करारी शिकस्त दी। ये सीट भी दिसंबर 2021 में कोविड-19 से कांग्रेस विधायक चंद्रकांत यादव के निधन के बाद खाली हुई थी। इस कारण ये उपचुनाव हुए। इस सीट पर 15 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। बिहार के बोचहा विधानसभा सीट पर राजद के अमर पासवान विजयी हुए। इन्होंने भाजपा की बेबी कुमारी को 36,653 वोटों से हराया। ये सीट विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर 13 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। इनमें 3 महिलाएं थी। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने 20,167 वोटों से जीत हासिल की। ये सीट जनता कांग्रेस के विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी। सीट पर 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे।